हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस लर्निंग। मैं सनत दत्त भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे इस क्रैश कोर्स में, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की। सो द टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। इफ यू हैव नोटिस्ड, 2015 से लेके 2019 तक के एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन, जिन्होंने मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, मेक एंड ब्रेक किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए, वो इस पूरे सेक्शन में से आए। एंड दिस सेक्शन, आपको ये समझना होगा, ये सेक्शन जो है ये दो तरीके के सवालों के ऊपर बेस्ड है, एक फैक्ट्स और एक कॉन्सेप्ट्स। तो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों चीजों को आपने कवर करते हुए चलना है। फैक्ट्स ये जो हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, एंड कॉन्सेप्ट्स वो जो इस वीडियो लेक्चर के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो जो रीजंस बताए जाते हैं, वो रीजंस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सो ये दो टॉपिक्स को मर्ज करके हम जो आपको ये क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दिस क्रैश कोर्स हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के लेवल पे जिस तरीके के वो फैक्ट्स पूछती है, जिस तरीके से वो रीजनिंग में जाती है, हम उस चीज को केटर करें एंड आप लोगों को अपनी तैयारी में पूरी की पूरी मदद मिल सके। चलिए देरी नहीं करेंगे, इस सेशन की शुरुआत करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर प्रेपरेशंस। हिस्ट्री हमारा वो सब्जेक्ट है जिसे हम जब कवर करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं या आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको बाइफरकेट करते हुए बताता हुआ चलूंगा। इनफैक्ट एमसीक्यूज जहां से बन सकते हैं, जिस तरीके से बन सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी हमारे पूरे लेक्चर सीरीज के दौरान मैं आपको साथ के साथ वो चीजें बताता रहूं, तो आपको तैयारी में मदद मिल सके, आपको एक पेरिस्कोप मिल सके, आपको एक तरीका मिल सके, उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहली चीज की जिसकी हमने बात करनी है वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया। देखो ऐसा है कि बच्चों, एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया और एक है हिस्टोरिक इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक इंडिया में बहुत ही बेसिक सिंपल डिफरेंस है। एंड अगर आपने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होंगी, अगर राजीव आहिर जी की वो स्पेक्ट्रम ऑन इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंड नहीं भी पढ़ी होगी तो भी मैं आपको बता रहा हूं, द वेरी फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री वो इसी डिफरेंस को बताने में लगते हैं। हिस्टोरिक इंडिया वो एस्पेक्ट है हिस्ट्री का जहां पे आपके पास कोडिफाइड फॉर्म में ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं, ऐसे स्कल्पचर्स हैं, ऐसी ऐसा डेटा है अवेलेबल, जो कि हम जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे हम डिसाइफर करके हिस्ट्री क्या रही है उसे समझ सकते हैं इजीली। इजीली अगर आप उस चीज को समझ सकते हैं, उस स्क्रिप्ट को समझ सकते हैं, लिखे हुए डेटा को, एविडेंसेस को आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हो रहा था, आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, That is historic part of our Indian history, ancient part में से अगर हम निकाल के देखें। Apart from that, अगर हम बात करें कि ऐसा हमारे पास script है, for example, अगर आप बात करें IBC की script अभी तक decipher नहीं हुई है, तो prehistoric India is basically that India जहां पे अभी script decipher नहीं हुई है, कोई evidence नहीं है, कुछ भी चीज जो available है वो हम उसे decipher करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यही चीज है जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हिस्टोरिक इंडिया। एंड हिस्टोरिक इंडिया में फिर आपके पास एंशियंट का एक पोर्शन आ जाता है, जहां पे वैदिक हिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आ जाती है, एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहां पे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल भी है और हमारा यूरोपियन सिविलाइजेशन जब हिंदुस्तान में आती है, यूरोपियंस जब इंडिया में आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, डेन्स आते हैं, ये सारे लोग, फ्रेंच, पोर्टुगीज, सब लोग जब आते हैं, तो ये सारा एस्पेक्ट आ जाता है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। चलिए देरी नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया की। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, कोशिश कीजिएगा आप ध्यान से इन सारी चीजों को मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, विच एवर इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। वैसे पिक्चर्स के साथ मेरी पूरी कोशिश है इस सेशन में, मैम ने, रुचिका मैम ने भी बहुत मदद की है मेरी, तो ये जो भी लेक्चर सीरीज है, इट इज अ वेरी पेक्यूलियरली एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में डिसाइड की हुई है। सोफिस्टिकेटेड मैनर में इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज
These are the kind of questions UPSC has asked in the past few years, and उसी तरीके के facts and figures and concepts हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं Capstone IAS Learning के इस platform के जरिए. चलिए, let's talk about prehistoric India. तो plain and simple thing, prehistoric India is divided into Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Metal Ages. तो ये जो divisions हैं, ये divisions कैसे किए हैं हमारे historians ने, हमारे archaeologists ने मिलके ये divisions create की हैं. These divisions are important because ये old stone age, paleo means old, lith means stone. तो old stone age जो है, ये क्या difference है इसका mesolithic से, mesolithic का क्या difference है neolithic से, and why is it के chalcolithic age है, bronze age है, ये किस तरीके से divide की गई हैं. This is a very important aspect. ये difference अगर हमें पता हो, तो हम questions को सही तरीके से attempt कर सकते हैं. And that is why, if you remember, 2018, if I'm not wrong, UPSC ने IVC, Indus Valley Civilization के ऊपर सवाल पूछा था. उसमें ये पूछा था कि क्या Indus Valley Civilization के आदमियों को horses का पता था या नहीं पता था. तो यही इसी तरीके के सवालों को हमने cater करना है. चलिए, let's start up with the very first age, that is the Old Stone Age. Old Stone Age or the Paleolithic Age. Now this is a crash course. हम इस पूरे कोर्स के माध्यम से Capstone IAS Learning आप लोगों को बहुत ही important information, बहुत ही important facts and concepts बताने की कोशिश कर रहा है. Please do make sure आप इस वीडियो को भी like करें and हमारे बाकी courses को ध्यान से देखें. These lectures will become the foundation of your preparation in civil services examination. Now, Paleolithic age का जो आदमी था, उसे quartzite man भी कहा जाता था. कारण ये था कि वो इस तरीके का पत्थर जो है इस्तेमाल करता था. ये और कुछ नहीं, ये क्वार्ट्जाइट पत्थर है. क्वार्ट्जाइट पत्थर है. अगर आप ज्योग्राफी की क्लासेस ध्यान से देखेंगे, तो ज्योग्राफी की क्लासेस में आपको जो हमारा डिटेल्ड कोर्स होता है, उसमें हम ये चीज कराते हैं कि क्वार्ट्जाइट जो पत्थर है वो कहां बना, कैसे बना, इसका ओरिजिन क्या है. तो नॉट द पेरिस्कोप ऑफ आवर, नॉट द स्कोप ऑफ आवर लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि origin of quartzite पत्थर जो है, it is of volcanic origin and बाद में volcanic eruptions जब शुरुआती दौर में जब earth बन रही थी, तो उस समय जब ये पत्थर बने, तो वहां से ये पूरे earth के surface को cover करने लगते हैं. And आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा, that Paleolithic age started off at around 5 lakh BC, 5 lakh BC के आसपास ये हमारी Paleolithic age शुरू हुई. और अगर मैं ज्योग्राफी के हिसाब से चलूं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से चलूं, उस समय हिंदुस्तान और बाकी दुनिया के अंदर आइस एज चल रही थी. कौन सी आइस एज चल रही थी? ये चल रही थी हमारी फिफ्थ आइस एज, जिस आइस एज में हम अभी भी हैं. इस आइस एज का नाम है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी आइस एज. तो क्वार्टरनरी आइस एज चल रही थी. ये आइस एज में आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढकी हुई थी आधी के करीब धरती. इक्वेटर से थोड़ी दूरी अगर हम देखें, उससे ऊपर ऊपर बर्फ थी. तो जो पत्थर अवेलेबल था, दैट वाज ओनली, जो सतह पे सरफेस पे पत्थर अवेलेबल था, दैट वाज ओनली क्वार्ट्जाइट. तो इस वजह से सारे के सारे टूल्स, जितने भी इंप्लीमेंट्स अवेलेबल थे उस समय के आदमी को और उसने जो बनाए, दे वर ऑल मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट. इसी वजह से उसका नाम क्वार्ट्जाइट मैन रखा गया है. इनफैक्ट यही एक मेजर डिफरेंस है पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में, जहां पे पैलियोलिथिक आदमी क्वार्ट्जाइट पत्थर का इस्तेमाल करता है और किस तरीके से करता है, इसी वजह से डिफरेंशिएशन भी होती है मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक एजेस में. नाउ जो टूल्स जो हमें मिले हैं, जो हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किए हैं, जो सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड किए हैं, वो जो टूल्स हैं, वो बेसिकली दे आर शार्पन टूल्स हैं, कुछ चॉपिंग टूल्स हैं. पत्थर को बहुत ही क्रूड फॉर्म में तोड़-तोड़ के, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़कर ये टूल्स बनाए गए थे. एक ऐसा शार्प स्टोन बनाया जिसको यूज किया जाता था कि स्किन पेनिट्रेट कर सके, उसे मार सके किसी जानवर को, या उसकी स्किन को पील ऑफ किया जा सके यूजिंग द चॉपर और द स्क्रेपर. एंड ऐसे ही स्पीयर था, दूर से अगर किसी जंगली जानवर को मारना है, जो पकड़ना वैसे मुश्किल होता था, तो निशानेबाजी में भी तेज थे, ठीक है जी. तो बो एंड एरो का कांसेप्ट भी था, लेकिन बो और एरो का कांसेप्ट बहुत ही क्रूड फॉर्म में था. यहां पे आदमी की जो
टूल मेकिंग आप कह सकते हैं जो टेक्निक थी वो बहुत ही क्रूड थी, टूल मेकिंग टेक्निक्स की अच्छी जानकारी नहीं थी पैलियोलिथिक आदमी को। वो जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था 5 लाख बीसी से लेके करीब करीब 10,000 बीसी तक, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा था इन लाखों सालों में, लाख काफी ज्यादा समय होता है, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा था वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सीख रहा था, तो वो सीखने के तजुर्बे से उसने कुछ चीजें बनाई। वो था हैंड एक्स, हैंड एक्स कल्चर भी मिलता है इंडिया के अंदर, मैं बात करूंगा इसके बारे में भी नियोलिथिक पीरियड में। नीडल्स की बात की, नीडल्स भी बनाई उसने, कोशिश की पत्थरों को चीरते हुए, पत्थरों को तोड़ तोड़ के। स्क्रैच एनल की भी बात की। ये सारी के सारे टूल्स जो हमें मिले हैं ये मिले हैं पैलियोलिथिक एज में। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछना चाहे तो यहां से पूछ सकती है। नाउ एक और खास चीज, ये कहां कहां पाए जाते हैं और कहां कहां नहीं पैलियोलिथिक एज हमें मिलती है। पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंसेस हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, नॉट फाउंड इन अलूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस वैली, ऑफ सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, एज स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल। नाउ दो बातें हैं यहां पे, एक चीज लिखी है, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कि स्टोन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए रॉकी सॉइल नहीं होती है, वहां पे रॉक्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि रॉक्स सारे के सारे जो है वेदर होके वो सॉइल बना चुके होते हैं, दैट इज वाई एलुवियल सॉइल जो है इतनी रिच विद मिनरल्स भी होती है, एंड इट इज कंड्यूसिव फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां पे अभी लिखी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इसे एक जगह पे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट इज कि अलूवियल प्लेन्स में इस समय के दौरान आइस एज चल रही थी। मैंने आपको पहले ही सेशन की शुरुआत होने से साथ ही बताया था कि आइस एज जो है उस समय चल रही थी, तो यही चीज हमने याद रखनी है कि बिकॉज आइस एज चल रही थी उस समय। एंड दूसरी चीज ये कि ये जब आइस एज में यहाँ पे इस समय यहाँ ठंड जब कम हो भी गई तब भी यहाँ पे अलूवियल प्लेन्स बन रहे थे, तो यहाँ रॉकी सॉइल नहीं थी, तो यहाँ जो भी रिवर्स फ्लो हो रही थी उनसे यहाँ पे पत्थर बच नहीं रहे थे। पत्थर रिवर बेड में जरूर थे बट दे कुड नॉट बी यूज्ड। एंड प्लस एक चीज और, तो जहां पे ये पैलियोलिथिक मैन रह रहा था, ये जो एरियाज थे ये आप देखिए ये रिवर्स के पास नहीं रह रहा था, ये रह रहा था केव्स के अंदर, तो केव्स के अंदर रह रहा था या ऐसे शेल्टर्स बना के रह रहा था, तो ये रिवर्स के पास नहीं रह रहा था, तो इसको रिवर्स तक जाना पड़े और वहां से अंदर से पत्थर निकाले, ये सारा काम कोई भी इंसान नहीं करेगा। तो इस वजह से जो पत्थर हमें मिलते हैं या जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो यही बताते हैं कि एलुवियल प्लेन्स के अंदर ये पैलियोलिथिक मैन या क्वार्ट्जाइट मैन नहीं रहा करता था। तो यहाँ पे 2 से 3 आपको रीजंस मैंने बताए, इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को आपने डेप्थ में पकड़ना है। देखिए कोई और जगह आपको ये गहराई जो है नहीं मिल पाती है, तो कोशिश कीजिए कि इस गहराई को, इस रीजंस को आप पकड़ना शुरू करें। नाउ लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर जो राजस्थान से निकलती है, गुजरात से होती हुई, इट इज सपोज टू एंटर कौन सा सी, इज इट द अरेबियन सी और द बे ऑफ बंगाल, इट इज द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जाके इसको मिलना होता है, लेकिन आज की डेट में ये राजस्थान से ही निकलते निकलते राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास जाते ही खत्म हो जाती, सूख जाती है। एंड इट इज अ वेरी सॉल्टी रिवर, बिकॉज ये इवेपोरेट हो चुकी है काफी, इसमें जो सोर्सेज थे इसके वो डिप्लीट हो चुके हैं। लूनी इज कंसिडर्ड टू बी द इंडस्ट्री ऑफ स्टोन टूल्स, थार डेजर्ट के अंदर यहां पैलियोलिथिक मैन जो है उस समय रहता था थार डेजर्ट में। नाउ थार डेजर्ट में आप आज का थार डेजर्ट मत इमेजिन कीजिएगा, ये उस समय का थार डेजर्ट है जहां, जब अगर मैं छोटा सा मैप आपको बनाऊं और बताने की कोशिश करूं तो ये थोड़ा राइटिंग पैड में ऐसा है कि भैया थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इंडिया का मैप। तो अगर मैं आपको नॉर्मल सेंस में बताऊं तो बर्फ और ठंडा समय या ठंडा जो वेदर था वो कहां तक था, तो भारत के इतने हिस्से में आप कह सकते हैं कि बर्फ थी, इतने हिस्से में। हिमालयस वर बीइंग फॉर्म्ड, और ज्यादा उनकी हाइट्स बढ़ रही थी एंड ऊपर से आइस एज चल रही थी, तो यहां पे ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये एरिया कंड्यूसिव हो गया था
हमारे पैलियोलिथिक मैन के लिए, एंड इसी वजह से लूनी जो रिवर यहां पे है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, तो लूनी रिवर यहां पे है, यहां से इधर ऐसे निकलना होता उसे, बट यहीं पे ही सूख जाती है। तो लूनी रिवर जो है वहां पे स्टोन टूल्स की इंडस्ट्री पाई गई है, क्योंकि ये बहुत ही पथरीला इलाका माना गया था इन द वर्ल्ड ओवर। अगर बाकी दुनिया की बात करें, दिस एज वॉज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मैन होमो सेपियंस। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आज का आदमी जो है वो होमो सेपियंस नहीं रहा, वो होमो सेपियंस सेपियंस हो गया है। ये एक नई एवोल्यूशन की स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। तो होमो सेपियंस जो मैन है वो पैलियोलिथिक एज में सामने निकल कर आया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट एज, मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट, जिसे आप कह सकते हैं कि इसे बहुत ज्यादा अवॉइड नेग्लेक्ट किया जाता है, बट दिस इज वन एरिया जहां से पोटेंशियल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। रीजन बीइंग यूपीएससी उन्हीं चीजों को पूछती है जिन्हें आप नेग्लेक्ट करते हैं। सो नेग्लेक्ट जिन जिन चीजों को आमतौर पर किया जाता है, उन चीजों को आपने ध्यान से करके जाना। क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ा गर्मी बढ़ी, एंड गर्मी बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ी। दिस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मीजोलिथिक एज। गर्मी बढ़ी, रेनफॉल बढ़ी, क्योंकि जब अब आइस मेल्ट होगी तो वो पानी इवेपोरेट भी होगा, वो पानी इवेपोरेट होके रेनफॉल के तौर पे नीचे भी आएगा। जब रेनफॉल होगी तो रॉक्स की वेदरिंग होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स अगर होगी अगर वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगी, सॉरी थोड़ा खांसी हो गई, कोरोना वायरस का कोई इशू नहीं है। अगर वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाती है तो साफ तौर पे बात है कि सॉइल बनेगी, और वो सॉइल जो होगी बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी, तो फर्टाइल सॉइल में फौना क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, फौना अगर आ रहा है फ्लोरा भी होगा और फौना भी आएगा। सॉइल जब आएगी तो वहां पे फ्लोरा आएगा। एग्रीकल्चर यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, एग्रीकल्चर यहां पे अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, अभी इतना ज्यादा कोई भी एविडेंस नहीं आया कि इंसान जो है खुद से खेती बाड़ी करना शुरू कर दे, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो सॉइल फर्टाइल हो रही है, उसकी वजह से फ्लोरा बढ़ रहा है, फ्लोरा बढ़ रहा है, एंड फ्लोरा बढ़ने की वजह से फौना भी बढ़ रहा है। एवोल्यूशन जो है एक नया मोड़ ले रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो ये आज का जो क्लाइमेट चेंज है, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट क्लाइमेट इज टेकिंग अ शिफ्ट। अब जो है, क्योंकि इतना ज्यादा कह लीजिए कि लाखों साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा इंसान को हो गया था, तो अब इंसान माइक्रोलिथ्स यूज करना शुरू कर देता है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2014 या 2015 के एग्जाम में माइक्रोलिथ के ऊपर एमसीक्यू प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके के सवालों के लिए आप खास तैयार रहें। नाउ ये एक माइक्रोलिथ मैंने यहाँ पे इमेज जो है लगा के आपको दिखाया है, ये ध्यान से देखिए, 1 से 5 सेंटीमीटर जितना बड़ा, बहुत छोटा साइज होता है 1 से 5 सेंटीमीटर का। इतने छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे, इन छोटे छोटे टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया था। दे वर मेड फ्रॉम माइक्रोब्लेड्स, माइक्रोब्लेड्स को यूज करके ये छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स यू बनाने शुरू कर दिए गए थे। तो कई बार सवाल आ जाता है कि माइक्रोलिथ्स क्या है, कई बार सवाल आ जाता है कि माइक्रोलिथ्स कौन सी एज को बिलोंग करते हैं। दे वर यूज्ड एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पीयर हेड्स, जो स्पीयर हेड्स हुआ करते थे जिसको फेंक के मारा जाता था, वो उनका कॉम्पोनेंट बनाया जाता था। छोटे छोटे ऐसे दांत जैसे निकाले होते हैं, उस तरीके से उसको लकड़ी में खुबोया जाता था ताकि उसको यूज करके ज्यादा जोर की मार की जा सके जानवर के ऊपर। हंटिंग वॉज स्टिल बींग प्रैक्टिस्ड, इन टूल्स से आपको पता चलता है हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। इट वॉज यूज एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स, नाइव्स, चाकू बनाए जाते थे, इसको यूज किया जाता था, सिकल यू बनाया जाता था, हारपून्स बनाए जाते थे। हारपून्स वो होते हैं जिनके पीछे थोड़ा एक रस्सी, एक रोप रहती है। रोप से फायदा ये रहता है कि हारपून जब मारा जाता है वो एक जानवर के शरीर में खुब जाता है एंड वो फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो वो धीरे धीरे जानवर जो है ब्लीड करके या बिकॉज ऑफ दैट पेन और इंजरी वो मर जाता है। उसके बाद आप रोप के साथ उसको जो है ट्रैक कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, दैट इज अ हारपून। एंड डैगर्स के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे बहुत लोगों ने हमारे बहुत सारी ऐसी गेम्स खेली होंगी, जैसे एज ऑफ एम्पायर्स है, जैसे
प्रिंस ऑफ पर्शिया है, इस तरीके की बहुत सारी गेम्स आपने खेली होंगी, असैसिन्स क्रीड आपने खेली हो सकती है, मैं वही नाम ले रहा हूँ जो मैंने भी गेम्स खेली है। चलिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है जिसमें आप गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इट वॉज यूज टू ज्वाइन, दे वर ज्वाइंट विद वुड बोन रेड शाफ्ट्स यूजिंग नेचुरल एडिसिव्स लाइक गम्स एंड रेजिन्स। तो गम्स एंड रेजिन्स को यूज करके इन्हीं टूल्स को, या किसी जानवर की हड्डी से, या किसी रेड शाफ्ट से, या फिर लकड़ी से कनेक्ट किया जाता था, जोड़ा जाता था। तो ये टेक्निक आप देखिए, थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन जो है आ गई है, थोड़ी सोफिस्टिकेशन आ गई है हमारे अब इस पूरे कह लीजिए कि हमारे अब के ये पूरे मैन की लाइफ के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। एंड दैट इज हाउ मीजोलिथिक एज इज डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक एज। नाउ थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं मीजोलिथिक एज की। पहली चीज तो ये, द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ राइस जो हमें मिला है भारत के अंदर, वो मिला है बेलन वैली से। ये अब वो फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं ये वो फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी को एमसीक्यूज पूछने में बहुत मजा आता है। एक प्लेन एंड सिंपल दो नंबर का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो अशोकन एडिक्ट के ऊपर एक सवाल आया था, ओल्डेस्ट अशोकन एडिक्ट कहां पे है उसके ऊपर एक सवाल आया था 2016-17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 17 में सवाल आया था। इस तरीके के सवाल दो नंबर के यूपीएससी एक आधा पूछ लेती है बिकॉज उसने ये टॉपिक कवर करना होता है। यही चीज को हमने टैकल करने के लिए कैपस्टोन आईएएस लर्निंग आप लोगों के सामने ये सारा डेटा जो है लेके आया है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कहां मिलता है हमें, बेलन वैली में मिलता है। और वैसे ही अगर एविडेंस की बात करें कि जानवर जो डोमेस्टिकेशन हुई सबसे पहले वो कहां पे होती है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होती है आदमगढ़ विच इज इन एमपी एंड बागोर विच इज इन राजस्थान। तो ये दो जगहों पे हमें मिलती है। आप इसको देखिए, अगर यूपीएससी सवाल पूछेगी तो आपको इनमें से एक ऑप्शन देगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, या ये देंगी या ये देगी, अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो वो वन एंड टू ओनली इस तरीके के ऑप्शन आपको देगी। अगर नहीं होता है तो पहला एविडेंस जो है आदमगढ़ में है, दूसरा एविडेंस जो है बागोर में। तो इस तरीके से आप ये चीज कवर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मैंने आपको पहले पहली एज में, पैलियोलिथिक एज में क्वार्टजाइट मैन के समय पे भी बताया था कि पांचवी आइस एज चल रही थी, फिफ्थ आइस एज, जिसका नाम जो है क्वार्टरनरी आइस एज है। क्वार्टरनरी का मतलब फोर्थ जरूर होता है बट वो क्वार्टरनरी पीरियड से निकल के आया है, क्वार्टरनरी जो इपोक है उससे निकल के आया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, बिकॉज देयर इट वाज एक दौर था जहां पे अर्थ जो है वो बनी ही थी, फिर उसके बाद मून बना था, फिर उसके बाद हमारा दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, एंड फिर एक क्वार्टरनरी पीरियड आता है। क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर मैन नॉट एज ह्यूमन बींग्स, नॉट एज होमो सेपियंस, लेकिन एप्स जो है निकलकर सामने आ जाते हैं। एप्स जब आते हैं तो वो क्वार्टरनरी पीरियड आ जाता है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर। तो बिकॉज आइस एज चल रही थी, क्वार्टरनरी आइस एज या फिफ्थ आइस एज जो चल रही थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मीजोलिथिक साइट नहीं एग्जिस्ट करती, कोई भी साइट मीजोलिथिक एज की एग्जिस्ट नहीं करती है। हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज द वे ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने पहले बोला, इट वॉज स्लोली बींग रिप्लेस्ड बाय फूड प्रोडक्शन 6000 BC के आसपास। नाउ 10000 BC के आसपास, 10,000 BC के आसपास हमारी पैलियोलिथिक एज जो है वो डाई आउट होने लगी थी, नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली डाई आउट हुई थी 8000 BC के आसपास, लेकिन डाई आउट होनी शुरू हो गई थी 10000 BC के आसपास। तो 10000 BC के बाद से ही इंसान जो है रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था खाने की, रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था। आप कई बार कहीं चीज किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ फूड वॉज बींग सॉट, तो उसी के चलते मीजोलिथिक एज में वो रिप्लेसमेंट जो है वो ढूंढनी शुरू जो है वो खोज जो है वो खत्म होती है 6000 साल के आसपास। एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, ये हमारे को पहला एविडेंस मिलता है 7000 से 6000 BC, 6000 से 7000 बिफोर क्राइस्ट। आज से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 9000 साल पहले, 9000 ईयर्स अगो हम जो है प्लांटेशन शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक आदमी एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, मीजोलिथिक आदमी एग्रीकल्चर के बारे में जानना शुरू करता है बाय द एंड ऑफ मीजोलिथिक एज। और हमें जो पहले एविडेंसेस मिलते हैं
वो लेक सांबर के आसपास मिलते हैं, सांबर लेक राजस्थान में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सांबर लेक है। तो पहला जो हमें एविडेंस मिलता है, देखिए राजस्थान में लोग सोचते हैं कि थार डेजर्ट है या कह लीजिए कि रेतीला इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उस समय की अगर मैं बात करूं, आज के दौर से बहुत साल पहले, 9000 साल पहले की बात करूं, तो राजस्थान हैड फर्टाइल सॉइल्स। इनफैक्ट जो थार डेजर्ट की सॉइल्स हैं वो काफी फर्टाइल हैं, सिर्फ एक चीज की कमी है उसमें, उनमें क्ले की कमी है, जिसकी वजह से वाटर रिटेन नहीं हो पाता। पानी अगर आप उसमें डालते हैं तो पानी या तो सीप इन कर जाता है या फिर कह लीजिए कि वेदर की वजह से वो इवेपोरेट कर जाता है, वाटर रिटेंशन नहीं है इन सॉइल्स के अंदर। तो इसी चीज को हमने समझना है कि उस समय वहां पे प्लांटेशन होती थी, क्रॉप्स की कल्टीवेशन होनी शुरू की गई थी, पहला एविडेंस नियर सांबर लेक राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट। चलिए अब बारी है नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेस, जस्ट लाइक हमारा मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के ऊपर भी कुछ सालों से एमसीक्यू हमारे प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है। बहुत चांसेस हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाए, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। नियोलिथिक एज एक कंप्लीटली शिफ्ट था, कंप्लीट शिफ्ट था फ्रॉम मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज से, तो काफी बड़ा शिफ्ट था, कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स। अब इंसान जो है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन में आ गया था, उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, उसके पास टेक्निक्स आ गए थे, टूल्स में बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया था। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर्डिंग ऑफ कैटल शुरू हो गया था, कैटल हर्डिंग का पूरा कह लीजिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक पूरा कंप्लीट शिफ्ट। जहां पहले पैलियोलिथिक पीरियड में हंटिंग एंड गैदरिंग, मीजोलिथिक पीरियड में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की शुरुआत, अब नियोलिथिक पीरियड में कल्टीवेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेस के लिए और दूसरे पर्पजेस के लिए हर्डिंग ऑफ कैटल शुरू हो जाता है। तो हर्डिंग ऑफ कैटल शुरुआत की शुरुआत हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन नाउ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स 2020, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स ऑफ एनी ईयर। एग्रीकल्चर शुरू होता है नियोलिथिक एज के अंदर। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर बीइंग यूज्ड। पहले पत्थर के जो टूल्स होते थे, आप पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो बहुत ही क्रूड फॉर्म में ऐसी पत्थर से पत्थर को तोड़ दिया, कोशिश की कि साइज में टूट जाए, कोशिश की कि थोड़ा तीखा हो जाए। फिर उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड आता है जहां पे साइज पत्थरों का इतना छोटा कर दिया, 1 से 5 सेंटीमीटर के टूल्स बनाने शुरू कर दिए और सोफिस्टिकेशन आई। अब उन्हीं पत्थरों को पॉलिश किया जा रहा है, चिजल किया जा रहा है, एंड दे आर मेड फ्रॉम बोन्स एज वेल एज एंटलर्स, जानवरों के बॉडी पार्ट्स से, हड्डियों से और एंटलर्स मतलब सींगों से, जैसे गाय भैंस के सींग होते हैं, जैसे एंटलर्स होते हैं हमारे अलग अलग रेनडियर्स के, जैसे हमारे बारासिंगा के एंटलर्स होते हैं, उन एंटलर्स को यूज करके, सींगों को यूज करके जो है क्या कहते हैं, पॉलिश्ड टूल्स बनाने शुरू कर दी। नॉट जस्ट ऑफ स्टोन्स, सिर्फ स्टोन्स नहीं, स्टोन्स अभी भी यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टोन्स नहीं यूज हो रहे, स्टोन्स अभी भी यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये नए कह लीजिए रॉ मटेरियल्स यूज करने शुरू कर दिए इंसान ने। थोड़ा सा सोच विचार में कह लीजिए बढ़ोतरी हुई, थोड़ा एवोल्यूशन हो गया। इमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज इज फर्स्ट सीन इन नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कैटल हर्डिंग करनी है तो आपको एक जगह पे रहना होना शुरू हो गया, शुरू करना पड़ेगा। तो कैटल हर्डिंग एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों कारण है कि बेसिकली विलेज कम्युनिटीज जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गई थी। दे वर बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कॉमन प्रॉपर्टी ओनरशिप के बेसिस पे, जैसे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का हमारे को जो कहते हैं कि गांधी जी ने जैसे ट्रस्टीशिप का हमें जो आइडिया दिया था, जो आइडियोलॉजी प्रोपाउंड की थी, उसी तरीके से कॉमन हर पूरे विलेज की कॉमन ओनरशिप थी। ये विलेज की जमीन है, एक इंसान की किसी की भी जमीन नहीं होती थी। जो टाइटल ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट जैसे अब है भारत के अंदर, या कह लीजिए कि मॉडर्न टाइम्स में, या कह लीजिए कि ग्रीक समय से, जो ग्रीक लॉज से निकल के आया है, तो वो उस समय में नहीं हुआ करता था। इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत की अगर बात करें तो वैसे ये भारत भारत के अंदर नहीं है, भारत सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर है, भारत महाद्वीप के अंदर है। मेहरगढ़, दिस इज नियर बोलन पास, पाकिस्तान में पड़ता है। इट इज द मोस्ट एडवांस्ड साइट एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर टू इंडस वैली
सिविलाइजेशन आईवीसी का प्रीकर्सर भी माना जाता है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। इनफैक्ट मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट तो है, इसे ट्रांजिशनल साइट भी बोला जाता है। ट्रांजिशनल साइट, तो ट्रांजिशनल साइट इसलिए बोला जाता है बिकॉज मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहां पे नियोलिथिक पीरियड का जो कल्चर था, नियोलिथिक पीरियड का जो सारा प्रोसेस था, वो एक शिफ्ट ले रहा था, थोड़ी और एडवांसमेंट ले रहा था, जैसा कि आईवीसी में और देखा जाता है। तो इट वॉज अ ट्रांजिशनल एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज। चलिए नियोलिथिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थिंग्स। हैंडमेड पॉटरी यूज की जाती थी, काफी कोर्स होती थी, ज्यादा पॉलिश नहीं होती थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आपने देखा होगा यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे, इनफैक्ट मैंने पहले भी अभी इसी लेक्चर में बोला आपको कि आईवीसी से रिलेटेड ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे 2 साल पहले यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर। हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड रीड, जो कह लीजिए कि बचा हुआ कुछ चूरा होता था, जैसे कुछ धान का कुछ बच गया, या फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का कुछ चीज बच गई, या रीड कह लीजिए या वीड कह लीजिए, किसी प्लांट प्रोडक्ट्स में से जो जो भी चीजें बचती थी उसको यूज किया जाता था, उसे मिट्टी में मिक्स किया जाता था और इस तरीके के घर बनाए जाते थे। ये बहुत ही रिफाइंड है, दिस इज अ रिफाइंड एग्जाम्पल, दिस इज नॉट बेसिकली एक्चुअल, अगर मैं बात करूं एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं है, ये रिफाइंड एग्जाम्पल है। ये इस तरीके की चीजें पहले एग्जिस्ट किया कर सकती थी, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नियोलिथिक पीरियड की मेजर साइट्स कौन सी है? तो कश्मीर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बुर्जाहोम। बुर्जाहोम जो है पीओके के पास पड़ता है, एंड कश्मीर में बुर्जाहोम जो है, और एक बिहार में चिरंड एक जगह है बिहार के अंदर। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट द रॉन्ग वे, आई एम सॉरी। मैंने ये जगहों का नाम जैसे सुना है, मैंने जैसे बताया आपको उसी तरीके से सुना है, ज्यादातर पढ़ा जाता है किताबों में ये चीजें, कुछ लोग नहीं बताते हैं ये इतनी डिटेल में, इतने डेप्थ में, जैसे कैपस्टोन आईएएस लर्निंग आप लोगों के लिए जा रहा है, और कहीं पे इतनी डेप्थ, इतनी डिटेल, इतने इस तरीके से आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट नियोलिथिक एज एंड हमारी लिमिटेशंस ऑफ ऑल द स्टोन एजेस। स्टोन एजेस की सारी की सारी स्टोन एजेस की लिमिटेशंस क्या थी, क्या कमी रह गई थी, क्या इनके सामने रुकावटें थी। पहली चीज, स्टोन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस थी, जिसकी वजह से देर वर नो सेटलमेंट्स विच वर अवे फ्रॉम हिली एरियाज। हिली एरियाज में क्योंकि स्टोन ज्यादा अवेलेबल है, तो देर वर नो सेटलमेंट्स विच वर अवे फ्रॉम हिली एरियाज। नाउ हिली एरियाज में क्योंकि एक जमीन जो है, सतह जो है, प्लेन नहीं मिल पाती है, इस वजह से ज्यादातर ड्वेलिंग्स हमें उस समय केव्स में भी मिलती हैं। तो इसी तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स यूपीएससी पूछती है। देर वर ग्रेट एफर्ट्स बट इट कुड नॉट प्रोड्यूस मोर देन वॉट नीडेड फॉर बेयर सब्सिस्टेंस। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, इकोनॉमिक लाइफ की बात करें उस समय स्टोन एज के आदमी की, चाहे आप पैलियोलिथिक की बात करो, चाहे आप मीजोलिथिक की बात करो, चाहे आप नियोलिथिक की बात करो, यहाँ पे कलेक्टिव बात की जा रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इट वॉज बेस्ड ऑन मेयर सब्सिस्टेंस, बेयर सब्सिस्टेंस, कि जितना है जैसा है कि हम सब लोगों का काम चल जाए भैया, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। This there was a move towards metals by the end of यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, by the end of stone ages, neolithic age के end के बाद, stone ages के end के बाद जो shift था, जो move थी, वो it was towards metals, particularly copper or bronze, and इसी के related हम अपने next ages भी पढ़ने जा रहे हैं, and experiments with them, there were experiments which were being conducted. In fact, अगर आप ancient sages की बात करें तो ancient sages जो थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा research की थी metallurgy के ऊपर, alchemy के ऊपर, and उसके भी हमारे पास evidences हैं, we have written records, evidences जो ये बताते हैं कि भारत के अंदर जो है metallurgy and उससे related जो knowledge थी, wisdom थी, it was growing really fast as compared to the rest of the world. चलिए अब बात करते हैं Chalcolithic age की। Chalcolithic age generally देखा गया है कि बाकी दुनिया के अंदर Chalcolithic age नहीं आई थी, बाकी दुनिया के अंदर पहले जो आई थी वो आई थी Bronze age।
लेकिन भारत के अंदर क्या हुआ कि स्टोन एज आई, स्टोन एज के साथ साथ आते ही चैल्कोलिथिक एज आई और उसी के बाद आ गई कॉपर एज। तो ब्रॉन्ज एज आने में बहुत दिक्कत हुई भारत के अंदर, बिकॉज रीजन बीइंग ये आज भी ये चीज सच है, बिकॉज भारत के अंदर SN इज स्टैनम, ये किसी इंग्लिश एक्टर का नाम नहीं है, हॉलीवुड के एक्टर का नाम नहीं है, स्टैनम इज बेसिकली टिन, टिन का साइंटिफिक नेम है। तो स्टैनम या टिन जो है भारत के अंदर उसकी कमी है आज भी, तो इस वजह से टिन प्लस कॉपर मेक्स ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज इसी वजह से भारत के अंदर ब्रॉन्ज एज नहीं आ पाई बिकॉज टिन की कमी थी। कॉपर अवेलेबल था, इनफैक्ट कॉपर अब भी अवेलेबल है, खेतरी माइंस की अगर बात करें राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी तादाद में भारत में कॉपर है। तो भारत के अंदर जो है स्टोन एज से कॉपर एज जरूर आई, लेकिन बाकी दुनिया की तरह ब्रॉन्ज एज नहीं आई। लेकिन कौन सी एज आई? चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज बहुत, अभी मैं आपको स्कूल लेवल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आई नो, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। चैल्को मीन्स स्टोन, सॉरी चैल्को मीन्स कॉपर, लिथ मीन्स स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज, कॉपर प्लस स्टोन दोनों तरीके की चीजों को जहां यूज किया गया, दैट वॉज दी चैल्कोलिथिक एज। द मेटल्स विच वर यूज फॉर, मेटल विच वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉपर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेटल वॉज बींग यूज, दोनों चीजें। तो पहला मेटल जो यूज हुआ उसका नाम कॉपर है, एंड दूसरा पहली बार ऐसा हुआ कि मेटल्स अब यूज कर रहे थे, एक्सपर्ट्स बनने शुरू हो गए, जो लोग कॉपर के साथ खिलवाड़ करते थे, कॉपर के साथ जो खेल करते थे, उनको कॉपर को यूज करके उससे टूल्स वगैरह बनाते थे, जो चीजें भी बनाते थे, उनका नाम रखा जाता था कॉपर स्मिथ्स इंग्लिश में, बट उस समय इंग्लिश नहीं होती थी, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। कॉपर स्मिथ्स जो थे उस समय के एक्सपर्ट्स माने जाते थे, वो उस समय के कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। यूज ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर मैंने अभी आपको बताया, अलोंग विद लो ग्रेड ब्रोंज। अब लो ग्रेड ब्रोंज वो होता है जिसमें टिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो ऑब्वियस ही बात है जब टिन है ही नहीं अवेलेबल तो टिन की मात्रा कम होगी, ऐसा ही ब्रोंज अवेलेबल होगा। इनफैक्ट भारत में जो ब्रोंज का जो ग्रेड है वो काफी कम है, एंड हमें ब्रोंज सॉरी टिन जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम, दूसरा हम इंपोर्ट करते हैं कई बार अफगानिस्तान से करते हैं, कई बार हम सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करते हैं अपना टिन। नाउ दिस पीरियड वाज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर, अब क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर आ चुका था तो एग्रीकल्चर को ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी थी। अब नेक्स्ट थिंग, अब पहली चीज तो ये पहला हंटर एंड गैदरर हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें ये पता चला कि जैसे गलती से किसी ने आम खाया और उसकी गुठली नीचे फेंक दी और उससे नया पेड़ निकलना शुरू हो गया, तो उससे स्कीम बन गई दिमाग में, वो स्कीम ये हुई कि क्यों ना मैं इस बीज को खुद ब खुद जो है गाड़ना शुरू कर दूं एंड ऐसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर दूं, तो वैसे एग्रीकल्चर आया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में हर्डिंग ऑफ कैटल और थोड़ा सा और रिफाइनमेंट आई। अब जो है चैल्कोलिथिक एज में द एंटायर इकोनॉमी वॉज स्टार्टिंग टू बींग बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया अपने कह लीजिए कि प्लान्स का, और स्टॉक रेजिंग करना शुरू किया, हंटिंग और फिशिंग भी जो थी वो शुरू होनी करनी शुरू कर दी गई थी। रेजिंग ऑफ स्टॉक्स इसलिए कहा गया है बिकॉज अब जो है स्टोरेज को ज्यादा अहमियत दी गई थी, जैसे आज की डेट में बड़े बुजुर्ग हम कहते हैं कि वो हमारे बड़े बड़े बर्तनों में गेहूं को स्टोर करते हैं, चावल को स्टोर करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है चैल्कोलिथिक एज के समय से निकल के आना शुरू हुआ था। तो जब चैल्कोलिथिक एज में स्टॉक रेजिंग की जरूरत आन पड़ी तो इस तरीके के बर्तनों की भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि स्टोर करना तो कहीं तो करना पड़ेगा। फिर उनको ये पता चला होगा कि भैया नहीं, ऐसे स्टोर करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, वो खराब हो सकता है, फिर धीरे धीरे करके उसका डिजाइन बदला गया होगा, उसको ठंडा किया गया होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी एवोल्यूशन आपने समझनी है कि किस तरीके से हुई। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके से सवाल पूछेगी तो वो पूछेगी तो सिर्फ इस तरीके के पूछेगी, ठीक है जी। आइसोमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस थी, इमाम गांव बनते थे, आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली जहां पे कैलकुलेशंस यूज कर ली जाती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज होती हैं, एंड बहुत ही रिफाइंड मैनर में हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाए, वो थी आइसोमेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। लार्जेस्ट साइट ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड इज दायमाबाद, दायमाबाद कहां पर है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दायमाबाद जो है
लार्जेस्ट साइट है. इट इज बेस्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवरा रिवर. प्रवरा रिवर जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. मैंने ही आपको बता दिया इट इज इन महाराष्ट्र. तो जनरली अगर यूपीएससी सवाल पूछती है तो ये इस तरीके से भी पूछ सकती है कि दायमाबाद इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड एंड इट इज सिचुएटेड इन. यूपी बोल देगी, एमपी बोल देगी, महाराष्ट्र बोल देगी, कर्नाटका बोल देगी. तो कर्नाटका आप रूल आउट कर भी देंगे चलो मान लिया, लेकिन यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी. कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अगर कह लीजिए कि पढ़ लिख जाएंगे तो वही ये कह देंगे कि नहीं महाराष्ट्र में ही नहीं. इस तरीके से आपने चीजों को ध्यान में रखते हुए, एमसीक्यूज को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज अब समय कम है, ये क्रैश कोर्स है, हमने ऐसे कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे उस आइडियोलॉजी के साथ अपनी तैयारी रखें. चलिए हॉलमार्क्स देखे गए. ये आप जो देखते हैं कि जैसे जो इंसिग्निया बने होते हैं या कह लीजिए कि किसी भी फूड आइटम पे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी का ट्रेडमार्क लगता है या हॉलमार्क एक लगा होता है, वो इंसिग्निया लगा होता है. दैट हॉलमार्क वॉज स्टार्टेड ऑफ इन दिस पीरियड. प्रेजेंस ऑफ पेंटेड पॉटरी, पॉटरी के ऊपर पेंट को यूज करके अपने वंश का कह लीजिए या अपने गांव का कह लीजिए, अपने एरिया का कह लीजिए, उसका ट्रेडमार्क कह लीजिए या सॉरी आपका कह लीजिए कि हॉलमार्क लगाया जाता था ताकि पता रहे कि ये इस जगह का बर्तन है या इस शख्स का बर्तन. तो ये जब हम खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह सब लोग, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये ही हॉलमार्क देखने को मिलता है. वो जब वो पॉटरी के टूटे हुए बर्तन जो है वो निकलते हैं या कई बार काफी पूरे पूरे पीस भी निकल जाते हैं तो उनको दिखता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, दिस कैन बी अ, ये जैसे ये पेंट हुआ है और ये जो छोटा सा सर्कल है मैंने बनाया, ये जो है ये हॉलमार्क कहा जा सकता है. ये देखिए ये हॉलमार्क लगाया हुआ. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. चलिए चालकोलिथिक एज कहाँ कहाँ पे थी, उसके कौन से इंपॉर्टेंट कल्चर्स थे, ये सारी चीजें देख लेते हैं. पीपल बिगैन टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू ऑब्टेन मेटल ओर, क्योंकि अब मेटल की जरूरत हो गई थी तो जो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसको आप कह देते हैं या जिसको नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन आप कह देते हैं, तो अब लोग ट्रैवल करने लगते हैं. ट्रैवलिंग जो है अब शुरू होती है. पहले हंटर्स एंड गैदरर्स थे, नोमैडिक लाइफस्टाइल था पुराने समय में, लेकिन नोमैडिक लाइफस्टाइल भी ऐसा था कि एक जगह से गए तो दूसरी जगह, दूसरी जगह से गए तो तीसरी जगह. देयर वॉज नो पर्टिकुलर पर्पस अपार्ट फ्रॉम हंटिंग, कोई खास पर्टिकुलर पर्पस नहीं था, सिर्फ शेल्टर की तलाश में रात दर रात भटकते थे, दैट इज नोमैडिक लाइफस्टाइल. लेकिन अब क्या है, अब एक पर्पस मिल गया है ट्रैवलिंग का, तो अब वो बिना मतलब के वो जो सोलो ट्रिप्स जैसे हम लगाते हैं उस तरीके से नहीं, हाँ वो सोलो ट्रिप्स का भी कह सकते हैं कि पर्पस हो सकता है कि वी वॉन्ट टू फाइंड आवरसेल्व्स, बट उस समय लोग जो थे वो ढूंढना चाहते थे मेटल ओर्स को. नाउ दिस लेड टू अ नेटवर्क ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स निकल के आए जैसे कुछ लोग अलग अलग जगहों पे गए तो वहां पे भी उन्होंने सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी. एक उनमें से था आहार कल्चर, ये गिलुंड राजस्थान में पाया जाता है. गिलुंड राजस्थान अगर मैं आपको मैप में हाईलाइट करके दूं तो दिस इज गिलुंड राजस्थान, यहाँ पे ये आहार कल्चर देखा गया. आहार कल्चर कहाँ पे था, इस तरीके का सवाल आ सकता है. आहार कल्चर कौन सी एज को बिलोंग करता है, चालकोलिथिक एज को बिलोंग करता है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है. जॉर्वे कल्चर वॉज द नेक्स्ट कल्चर, जॉर्वे कल्चर वॉज अगेन एन इंपॉर्टेंट कल्चर. ये कहाँ मिलता है, हमें दायमा बांध में मिलता है. दायमा बांध अगर मैं सर्कल करूं तो ये यहाँ पे है. फिर बात करते हैं कायत कल्चर की, कायत कल्चर कहाँ मिलता है. कायत कल्चर को कायस्थ कल्चर भी बोलते हैं और बहुत सारे नाम से जाना जाता है. मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कायस्थ कल्चर का जो नाम है वो कहाँ पाया जाता है. एंड देन देर इज मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, मालवा कल्चर भी आपने मुझे बताना है कि कहाँ मिलता है मैप में. देखिए जैसे मैंने मैप में सब कुछ मार्क किया है उसी तरीके से आपने भी मैप बेस्ड इसकी स्टडी करनी है. जब आप मैप बेस्ड स्टडी करते हैं, ऑल ऑफ दीज कल्चर्स आर चालकोलिथिक साइट्स, ये सारे के सारे अपने आप में चालकोलिथिक कल्चर है. मैंने यहाँ पे लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं लिखी है, बट ऑल दीज कल्चर्स जैसे प्रभास पाटन कल्चर, ये रंगपुर कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, कायत कल्चर का मैंने नाम लिया था, आहार कल्चर का भी हमने नाम लिया था, एंड उसके बाद आपका जोधपुर है, चिरंड है, चिरंड मैंने बिहार में बताया था आपको, देन कोलदमवा ये भी एक नाम है, दिस इज फॉर द आप कह सकते हैं कि ये यूपी के वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, यूपी और एमपी के बीच में पड़ता है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ के आसपास पड़ता है.
ऐसे ही मस्की कल्चर है आपका, और ब्रह्मगिरी कल्चर है, हलूर कल्चर है, जोरवे कल्चर मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कल्चर्स या ये सारी की सारी साइट्स जो हैं चैल्कोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर के प्रस्पेक्टिव से हमने कवर करना है, एंशियंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री को और मिडीवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री को, मिडीवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री को इस तरीके से हमने कवर करना है। कारण क्या है कि इसी तरीके से यूपीएससी सवाल भी पूछती है। जो हमने अभी तक सवाल किए हैं, जो अभी तक हमने जो डिस्कशंस की हैं, वो भी कल्चर का ही पार्ट हो जाता है, बिकॉज वहां पे हम इकोनॉमिक लाइफ देख रहे हैं एक इंसान की उस समय में, सोशल लाइफ देख रहे हैं कि कैसे वो अपना जिंदगी व्यतीत करता था एंड वो क्या चीजें बनाता था। तो अगर मैं बात करूं कि कल्चर के सब्जेक्ट के अंदर, जैसे हम स्कल्चर्स की बात करते हैं, तो स्कल्चर्स बिकम इंपॉर्टेंट इन हमारा आईवीसी। आईवीसी में पर्टिकुलरली वो बियर्डेड मैन का स्कल्चर हो, नटराजा का स्कल्चर वो स्कल्चर हो, तो ये सारी की सारी चीजें जैसे कल्चर के सब्जेक्ट में आती है, उसी तरीके से हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में जो भी चीजें हैं उसे हमें कल्चर से लिंक करके देखना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनफैक्ट यूपीएससी का अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो 10 से 12 सवाल जो हैं वो इस एरिया से पूछे जा रहे हैं, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। एंड सारे के सारे सवालों का अगर आप ग्रास रूट वो देखें, फाउंडेशन देखें, तो ग्रास रूट फाउंडेशन यही निकल के आता है कि भैया जो ये 10 से 20 सवाल हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, ये कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो हिस्टोरिकली सवाल जो है वो कम पूछे जा रहे हैं इस पूरे एस्पेक्ट में से, 3 से 4 सवाल जो है वो हिस्ट्री के ऊपर बेस हो रहे हैं, बाकी सवाल जो है कल्चर में से निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है। नाउ आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है भीमबेटका केव्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इसमें आपको एंशियंट स्टोन एजेस के भी एविडेंसेस मिल जाते हैं, उस समय इंसान जो है इसी इन्हीं केव्स में। इनफैक्ट भीमबेटका केव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख बीसी से लेके अप अंटिल इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इवन बियॉन्ड दैट, उसके बाद भी कुछ ऐसे बुद्धिस्ट मंक्स थे, जैन मंक्स थे जो यहाँ जाके रहते थे। तो ये पता चलता है कि इस पूरे टाइम पीरियड के लिए ये एक कॉमन साइट थी, बिकॉज भीमबेटका केव्स इन एमपी मध्य प्रदेश में, ये वो एरिया था जो थ्रू आउट द पीरियड, जब से ये दौर चला, जब से एजेस शुरू हुई तब से लेके तब आईबीसी तक, ये एक कंड्यूसिव वेदर प्रोवाइड कर रहा था, कंड्यूसिव सॉरी क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें इंसान आमतौर पर रह सकता था, रात का बसेरा, रैन बसेरा जो है ढूंढ सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें पर्टिकुलरली चैल्कोलिथिक एज की, तो उसमें देखेंगे तो हम सीता बेंगरा केव्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जोगी माड़ा केव्स हैं, ये मैंने पीछे मैप में आपको दिखाए भी थे, जोगी माड़ा केव्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। नाउ बोथ ऑफ देम फॉर्म्ड अ फाइन एम्पी थिएटर सिमिलर टू एंशियंट ग्रीक थिएटर्स। तो ये थिएटर्स क्या है बेसिकली, ये वो एरियाज हैं जहां पे सिविलाइजेशन जो है वो इवॉल्व होती है, सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन होता है, एम्पी थिएटर्स और कुछ नहीं है, बेसिकली ऐसे एरिनाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पे सिविलाइजेशन निकल के आती हैं। इन फ्रंट ऑफ सीता बेंगरा केव, सीता बेंगरा केव्स के बिल्कुल सामने देर आर अराउंड मेनी रॉक कट बेंचेस, यहाँ पे रॉक कट बेंच, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखना था मेरा रह गया, देर आर सो मेनी रॉक कट बेंचेस कि आप बैठ के उन्हें देख सकते हैं, अरेंज्ड इन टेरेसेस, जैसे टेरेस होती है घर की उसकी शेप में, क्रिसेंट फॉर्म में ऐसे बेंचेस जो हैं बनाए गए हैं विद आइल्स, जगह है वहां पे खड़े होके आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। स्टेज वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द क्लिफ एज वेल, क्लिफ में से एक स्टेज कार्व आउट करके ऐसा थिएटर जो है बना दिया, जहां पे कोई जैसे आप कह सकते हैं कि एक एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है ढूंढना शुरू कर दिया था लोगों ने, एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गया था। नाउ ये एक एमपी थिएटर इसलिए भी बन गया बिकॉज सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन यहां से होनी शुरू हुई। नाउ जैसे 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 सोसाइटी इवॉल्व होती है, मूवीज आपने नोटिस किया होगा इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे मूवीज इवॉल्व होती हैं सोसाइटी भी उन मूवीज से सीखे, खुद इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो जैसी जैसी मूवीज बनती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो आजकल आज का ऐसा दौर चल रहा है कि गाली गलौज की मूवीज थोड़ी सी ज्यादा चल रही हैं, तो वो मूवीज का असर जो है
आपको लोगों की जिंदगी पे भी दिखता है। तो इसी वजह से ये जो एम्पीथिएटर्स थे इनका असर जो है सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा रहा था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट साइट इज पीटलखोरा केव्स। पीटलखोरा केव्स इज इन महाराष्ट्र, हमने पीछे अभी मैप में देखा भी था पीटलखोरा केव्स यहाँ पे है, आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यहाँ पे यहाँ लिखा था, हाँ पीटलखोरा केव्स यहीं पे है इनाम गांव के पास। केव पेंटिंग्स ऑफ नरसिंहगढ़ की अगर बात करें, नरसिंहगढ़ में केव पेंटिंग्स मिलती हैं महाराष्ट्र के अंदर, दे शो स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट ड्राइंग। अब इससे पता चलता है स्किनिंग ऑफ एनिमल्स वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको अहमियत नहीं है, उसकी आप पेंटिंग नहीं बनाते। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जनरली उसी की पेंटिंग बनाई जाती है। तो इस वजह से स्किनिंग ऑफ एनिमल्स वॉज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बैक देन, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी तरीके से चलते हुए आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्रैश कोर्स कैपस्टोन आईएएस लर्निंग के ऊपर, इस हमारे इस चैनल के ऊपर आपको यही चीज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हमारे बाकी जो भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके। चलिए लेट्स टॉक अबाउट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होती है? यूनेस्को हेरिटेज साइट बेसिकली 1972 के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में से निकल के आने वाली वैसी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है फॉर ऑन द पर्पसेस कि या तो वो टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल। देखिए अभी क्या है कि कोरोना वायरस के चलते ये सारा लॉकडाउन की सिचुएशन है, एंड लॉकडाउन की सिचुएशन से सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एंड वर्क फ्रॉम होम के कारण कुछ लोग समझदार हैं, वो अभी भी लॉकडाउन होते हुए भी घर से बाहर हैं, घूम रहे हैं, एंड घर से बाहर निकलते हुए भी खाली सड़कों में हॉर्न बजाते हुए चल रहे हैं। तो आई एम सॉरी आपको अगर वॉइस से डिस्टर्बेंस हो, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो एक टैंजिबल एक इनटैंजिबल, दूसरी कल्चरल तीसरी कल्चरल और दूसरी बाइफरकेशन या कैटेगराइजेशन आप कह सकते हैं कल्चरल और नेचुरल। तो टैंजिबल हेरिटेज भी है इनटैंजिबल हेरिटेज भी है, टैंजिबल भी और इनटैंजिबल भी। टैंजिबल वो जिसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनटैंजिबल वो जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। तो पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो टैंजिबल हो जाएंगी, म्यूजिक या फोक डांस वगैरह की बात करूं तो वो इनटैंजिबल हो जाएगी। आप डांसर को तो छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, लेकिन डांस को नहीं छू सकते, ठीक है जी। चलिए नाउ दिस कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया 16 नवंबर 1972 में। ये तारीख याद करने की आपको जरूरत नहीं है, साल आपको पता होना चाहिए। इसकी हाइलाइट्स क्या है? इट हाइलाइट्स द ड्यूटीज ऑफ 193 स्टेट पार्टीज। 193 इसकी स्टेट पार्टीज हैं विच आर ऑल्सो नोन टू हैव अडहर्ड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन आइडेंटिफाइंग। इनकी ये इन 193 स्टेट्स की ड्यूटीज को हाईलाइट करता है इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल साइट्स एंड देयर रोल्स इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग देम। तो इसमें क्या चीज निकल के आती है? तो निकल के ये आता है कि जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं, सारी की सारी स्टेट पार्टीज अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस भेजती हैं। वो रिकमेंडेशंस को फाइनल अप्रूवल जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन करता है। जब एक बार वो हो जाता है, किस कैटेगरी में करता है, वो कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट होती है। उस कैटेगरी के तहत वो साइट इट बिकम्स यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस तरीके से बनाया जाता है। द सेम जनरल कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड ऑन 16 नवंबर द रिकमेंडेशंस कंसर्निंग द प्रोटेक्शन एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे भी अगर कोई प्रोटेक्शन करने का पर्पज हो सकता है, एक तो ग्लोबल लेवल पे हो गया, एक नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए भी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो है वो बनाई जानी चाहिए। यही सेम चीज भी अडॉप्ट की गई थी 16 नवंबर 1972 के हमारे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नेचुरल हेरिटेज साइट्स, सॉरी नेचुरल और मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स, जो नेचुरल और कल्चरल दोनों है, वो क्या क्या है, कहां कहां पे अवेलेबल है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 17 के अंदर है। सेक्टर 17 का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इट हैज बिकम द
हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया है। 30 हैं फिलहाल भारत के अंदर, 7 नेचुरल हैं, 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ आगरा का ताजमहल, ये सबको पता है। फतेहपुर सीकरी इज इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज साइट। आगरा फोर्ट, ये सारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। अगर मैं आपको नेचुरल हेरिटेज साइट की बात बताऊं तो नेचुरल हेरिटेज साइट्स में आपके पास आ जाते हैं, जैसे कह लीजिए कि अगर घाट्स आ गए फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके की चीजें, ये सारी की सारी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हो जाती हैं। यहाँ पे आपको कल्चरल हेरिटेज साइट्स ज्यादा देखने को मिल रही हैं। रानी की वाव है गुजरात में, वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद है, चंपानेर, पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंपानेर पावगढ़ के बारे में आप और डिटेल्स भी देखिएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि चंपानेर पावगढ़ विच इज इन गुजरात, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इनफैक्ट स्टोन एज की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट भी है, स्टोन एज की एक इंपॉर्टेंट साइट है चंपानेर पावगढ़। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो देर आर मन्नार, एक जगह है मन्नार, भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसी तरीके की चीजें आपने कवर करनी है एंड यही चीज हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। द लिस्ट दैट इज अवेलेबल हियर, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट। इसके ऊपर यूपीएससी बहुत ज्यादा सवाल पूछती है, हमने पूरा ध्यान करना है। इनफैक्ट आगे चलते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आएंगे, जैसे आर्किटेक्चर का हमारा जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक में हम इन सारी साइट्स को थोड़ा और गहराई में, थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे। चलिए एक फॉर एग्जाम्पल महाबोधि टेम्पल हो गया, नालंदा कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी महाबोधि टेम्पल अकेन दिस इज टैंजिबल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। जहां पे यहाँ पे आपको जितनी भी साइट्स दिख रही हैं ज्यादातर आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। जयपुर सिटी का आर्किटेक्चर अलग है, पिंक सिटी भी बोलते हैं इसको। जंतर मंतर है, आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। चित्तौड़गढ़ बिकॉज ऑफ इट्स फोर्ट्स, कुंभलगढ़ अगेन सारे के सारे हिल फोर्ट्स हैं। सवाई माधोपुर का, जलावर का, फिर जयपुर का, जैसलमेर का, ये आजकल ये कह लीजिए डेस्टिनेशन वेडिंग के हमारे जगह साइट्स बन गई हैं, बट अदरवाइज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये सारी की सारी। दिल्ली का रेड फोर्ट हो गया, आपका हुमायूं टॉम्ब हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सारी की सारी चीजें, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बाकी की सारी चीजें भी देख लेते हैं, बिकॉज अब हम बात करेंगे नेचुरल साइट्स की। कुछ नेचुरल साइट्स हैं, कुछ और कल्चरल कह लीजिए साइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, अजंता केव्स और एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स हम कहते हैं कि एक साथ नाम लेते हैं, बट जनरली एक साथ ले लिया जाता है। ऑनेस्टली आई हैव बीन देयर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं अजंता एलोरा केव्स, थोड़ी सी दूरी पर है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर है। अजंता केव्स अलग है, एलोरा केव्स अलग है। तो पहले अगर आप सड़क से जाते हैं तो औरंगाबाद एंटर करते हैं, अगर आप इस तरफ से तो पहले आपके पास एलोरा केव्स आते हैं और फिर आपके पास आते हैं अजंता केव्स। ठीक है जी, इस तरीके से उसी के साथ साथ बिम्बेट का पेंटिंग्स की हमने बात की थी, बिम्बेट का केव्स की बात की थी, बिम्बेट का रॉक शेल्टर्स हैं, तो वो रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश, दे आर ऑल्सो अ हेरिटेज साइट। उसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो के टेम्पल्स हैं। उसके बाद सन टेम्पल है कोणार्क ओडिशा में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन हम्पी। हम्पी के ऊपर पिछले साल यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, हम्पी वॉज इन न्यूज 2019 में बेइंतहा, द हिंदू ने इतनी बार हम्पी को मेंशन किया कि यूपी पता चलता था कि यूपीएससी लाजमी है कि इसके ऊपर सवाल पूछेगी। सवाल पूछा था, हमने ध्यान से नहीं देखा, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। एक बार आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू, सजेस्ट यू कि एक बार आपने जरूर कोशिश करके पिछले साल का एक यूपीएससी 2017 का पेपर देख के जाना ही जाना है। महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो तमिलनाडु के पास आपको दिख जाएगा ये महाबलीपुरम का मॉन्यूमेंट्स। फिर ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स अगेन इन तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार के पास ये आपको मिल जाएगा। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा की चर्चेज, ये सारी की सारी कलेक्टिवली दे बिकम इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स। फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये सारी की सारी चीजें आपको ये पता होना चाहिए ये किस स्टेट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में है नीलगिरी एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला आपको पता ही है हिमाचल के अंदर। इस तरीके से प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका आपने खास ख्याल रखना है। देन नाउ थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, सारी की सारी साइट्स जब हम बात कर ही रहे हैं
नेचुरल साइट्स की अब बात कर लेते हैं। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में यहां पे पड़ता है। आपने यूपीएससी किस तरीके का सवाल पूछ सकती है, यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, अरेंज दीज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन साउथ, या आप कह लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में कह लीजिए, या ऐसे इस ऑर्डर में नॉर्थ से साउथ आपने अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच इज इन एचपी हिमाचल प्रदेश, तो पहले ये आ गया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद आता है ये, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से तो आपको इसी तरीके से देखना है, आपको आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आता है, फिर ये आता है, ये आएगा, ये वाला डॉट आएगा इस, फिर उसके बाद ये वाला डॉट आएगा। तो ये डॉट्स को इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर दूसरा हमारा ये हो गया, ये मैं नॉर्थ से साउथ आपको बता रहा हूं, ये इस तरीके का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा आपका हो गया कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है जी। फिर उसके बाद चौथा आपके पास हो गया केवलादेव राजस्थान में नेशनल पार्क, एंड उसके बाद केवलादेव के बाद आपके पास असम के दो आ जाते हैं, असम का पहले आ जाएगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर दूसरा आपके पास आ जाएगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड लास्टली आपके पास सुंदरबंस आ जाएंगे और फिर वेस्टर्न घाट्स आ जाएंगे। वेस्टर्न घाट्स वैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, बट ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है जी। चलिए, सुंदरबंस आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है ज्यादा बोलते बोलते टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, तो आई एम सॉरी। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट भीमबेटका केव्स। मैंने आपको कहा था एक एक चीज की डिटेल में हम जाएंगे, कैप्स्टोन आईएएस लर्निंग इज इनफैक्ट कमिटेड टू गो इन टू डेप्थ एंड डिटेल्स, तो हम उसी चीज में डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्री हिस्टोरिक आर्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी प्री हिस्टोरिक समय की आर्ट डिपॉजिटरी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, इसकी हमने बात कर ली है। इसमें से जो सवाल बनता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इनफैक्ट स्टेट सर्विसेज में भी ये पूछा जा सकता है, 1958 में वी एस वकांकर ने इसे ढूंढा था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वी एस वकांकर। एक्सकवेशन है, इसमें पता चलता है कि अर्ली स्टोन एज से लेके एंड ऑफ स्टोन एज तक 1,00,000 साल पहले से लेके 10,000 से लेके 2,000 साल पहले तक, इनफैक्ट यहाँ पे लोग रहते तो ज्यादा थे लेकिन पेंटिंग्स जो है 1,00,000 साल पुरानी से मिलती है हमें। तो अर्ली स्टोन एज में 1,00,000 साल से लेके आप कह सकते हैं कि 2,000 साल पहले तक सारे के सारे जो है पेंटिंग्स यहाँ पे आर्ट जो है हमें मिलती है। इट एज सीन फ्रॉम आर्टिफिशियली मेड स्टोन टूल्स, ये जो भी पेंटिंग्स हैं आर्टिफिशियली बनाई गई हैं, स्टोन टूल से बनाई गई हैं, हाथ में यूज करने वाले हैंड एक्सेस, जो हाथ में यूज करने वाला हैंड एक्स होता है छोटे साइज का होता है उसको यूज करके बनाया, क्लीवर्स को यूज करके बनाया, सिमिलरली स्क्रेपर्स को, नाइफ्स को यूज करके ये पेंटिंग्स को बनाया गया। इसमें कलरेशन के लिए पिगमेंट्स यूज किए गए, नेचुरल डाइज यूज की गई, केमिकल इंडस्ट्री उस समय इतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं थी, इनफैक्ट जीरो थी, ठीक है जी। नियोलिथिक टूल्स वर यूज, पॉइंट्स वर मेड, ट्रेपीजियस वर मेड, लूनेट्स वर मेड ऑफ चर्ट एंड चैल्केडोनी, सिमिलरली बिसाइड्स दैट स्टोन क्वर्न्स वर यूज्ड, ग्राइंडर्स वर यूज्ड, तोड़ा जाता था, मिक्सिंग की जाती थी, बोन ऑब्जेक्ट्स वर मेड, डेकोरेटेड बोन ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, यूज किए जाते थे, पीसेज ऑफ ऑकर, ऑकर थोड़ा सा रेड से सिमिलर कलर होता है, आई नो गर्ल्स वुड रादर बी बेटर इन एक्सप्लेनिंग ऑकर कलर, बट मैं आपको अगर बताऊं तो थोड़ा सा रेड प्लस कॉपर अगर होगा तो उसे आप ऑकर कलर कह सकते हैं। ऑकर एंड ह्यूमन बुरियल्स वर ऑल्सो फाउंड हियर, तो थोड़ा थोड़ा ऑकर कलर में आपको चीजें मिलती थी और ह्यूमन बेरियल्स भी मिले हैं भीमबेटका के पास, दैट मींस दीज वर आल्सो शेल्टर्स। सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स की गैलरीज नहीं थी ये वहां पे इंसान जो है रहा करता था, एंड जब डेथ्स हुई तो वहां पे बेरियल्स हैव बीन फाउंड। चलिए, भीमबेटका केव पेंटिंग्स, ऐसी केव पेंटिंग्स को पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है, जो पत्थर के ऊपर जो कार्विंग्स होती है उन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। बोल्ड लाइंस वर यूज, बहुत ही मोटी लाइंस यूज की जाती थी, क्रूड फॉर्म में यूज होता था, रिफाइनमेंट नहीं थी, कलर्स यूज किए जाते थे, ऑकर रेड, येलो, अर्थ, जो सेम जो सारी चीजें, सूट ब्लैक, ये सारे के सारे कलर्स नेचुरल है। तो जो नेचुरल कलर्स हुआ करते थे नेचुरल डाइज से या नेचुरल पिगमेंट्स से जो चीजें निकल के आ सकती थी वही यूज की जाती थी फॉर कलर पर्पसेस। रॉक्स आर फर्स्ट स्क्रैच्ड विद स्टोन्स,
पत्थरों को पत्थर से चिजल किया जाता था, तोड़ा जाता था, स्क्रैच किया जाता था, फिर उसमें रंग भरा जाता था. फिगर्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड, ह्यूमंस हैव बीन फाउंड, हंटिंग की, राइडिंग की, डांसिंग के सीन्स हमें मिलते हैं. तो ये सारी की सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि उस समय का इकोनॉमिक पूरा सिनेरियो क्या था एंड सोशल लाइफस्टाइल कैसा था. सोशल लाइफस्टाइल के बारे में भी बताता है. सो इसी तरीके से हमने समझना है कि जो भीमबेटका के पेंटिंग्स हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये राइडिंग का है, राइडिंग का दिख रहा है, आदमियों का दिख रहा है, आपको अलग अलग जानवर भी दिखेंगे एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमें मिलती है. दिस इज येलो अर्थ कलर, अगर मैं बताऊं तो येलो अर्थ ये है. फिर उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये ऑकर है, ऑकर कलर, ठीक है जी. एंड सिमिलरली कई जगहों पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये ब्लैक कलर, तो ये कार्बन सूट से बनता था. जब कह लीजिए कि लकड़ी जला के आग जलाई जाती थी तो उस आग से जो भी कालक इकट्ठी होती थी उसको यूज किया जाता था. भीमबेटका केव पेंटिंग्स अगेन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया. पैलियोलिथिक पीरियड में, मीजोलिथिक पीरियड में, चैल्कोलिथिक पीरियड में, सब जगह पे ये केव्स यूज किए गए थे. एंड इनफैक्ट हमें कैसे पता चलता है कि ये केव पेंटिंग जो है, पर्टिकुलरली ये पेंटिंग जो है, ये पैलियोलिथिक को बिलोंग करती है, ये मीजो को बिलोंग करती है, चैल्कोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है, अलग अलग पीरियड्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. इट इज डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स व्हिच हैव बीन यूज्ड एंड द टाइप्स ऑफ लाइंस दैट हैव बीन कार्व्ड आउट. नाउ अगर व्हाइट, डार्क रेड और ग्रीन लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें बड़े बड़े एनिमल्स, बाइसन, एलिफेंट, राइनोज, टाइगर्स विद एंटलर्स, नॉट एंटलर्स विद दोज बिग टीथ जो उनकी लिप्स के बाहर भी जो है, माउथ के बाहर भी लटकते होते थे, दैट इज वो तरीके के टाइगर्स उस समय पाए जाते थे. तो धीरे धीरे ये कैनाइंस जो थे वो छोटे होने शुरू हो गए थे. नाउ ग्रीन इज मोस्टली यूज्ड फॉर डांसर्स, डांसर्स का कलर ग्रीन से होता था, रेड फॉर हंटर्स. तो ये कलर डिफरेंशिएशन भी देखने को मिली है. डिफरेंशिएशन तो डिपेक्ट करने के लिए, ताकि पता चल जाए, एक कलर कोडिंग आप कह सकते हैं ये था. एंड इनफैक्ट यही एविडेंसेस बन जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भैया जो आपका द एंटायर पेंटिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड, ये वाली पेंटिंग किस पीरियड को बिलोंग करती है. अब यूपीएससी का इस पूरे सेक्शन में से सवाल पूछना थोड़ा चांसेस है कम, लेकिन हम कॉर्नर्स कट नहीं करेंगे. वी वॉन्ट दैट हम थोड़ा डिटेल में जाएं कि गलती से कभी यूपीएससी ने इसमें से भी सवाल पूछ लिया तो वो भी हम जवाब जो है अब देने के लायक हो. तो मीजोलिथिक पीरियड में ज्यादा रेड कलर का यूज होता था. पेंटिंग्स वर स्मॉलर कंपेयर्ड टू पैलियोलिथिक पीरियड. क्यों? क्योंकि अब माइक्रोलिथ्स आ गए थे. क्या आ गए थे? माइक्रोलिथ्स, ठीक है जी. मोस्ट कॉमन सीन्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप हंटिंग की सीन ज्यादा होते थे, ग्रेजिंग ऑफ कैटल के सीन ज्यादा होते थे, राइडिंग सीन्स भी ज्यादा होते थे. तो जो चीज बोस्ट करना चाहते थे उस समय के आदमी, वही चीज पेंट करते थे. चैल्कोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो चैल्कोलिथिक पीरियड में जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, दे आर बेस्ड मेनली यूजिंग ग्रीन एंड येलो कलर्स. हरा रंग और पीला रंग यूज किया गया. थीम्स ऑफ बैटल सीन्स वर डिपिक्टेड, मेन राइडिंग हॉर्सेस, लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी थी. अब जैसे इकट्ठे शुरू होने हुए, एक मत से बहुत सारे मत आने शुरू हो जाते हैं. जब एक इंसान की सोच से बहुत सारे इंसानों की सोच मिलनी शुरू होती है तो जरूरी है, लाजमी है कि अल्टीमेटली एक आप कह सकते हैं झगड़ा जरूर होता है. उन्हीं झगड़ों से निकल के आती है दीज वॉर्स, दीज बैटल्स. एंड राइडिंग ऑफ हॉर्सेज, राइडिंग ऑफ एलिफेंट्स विद बोज एंड एरोज, ये सब चीजें डिपेक्ट की गई थी पेंटिंग्स के अंदर. नाउ कमिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट. आईवीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है. बट मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बिकॉज दिस लेक्चर हैज बिकम अ बिट इंपॉर्टेंट. आईवीसी को अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करते हैं. आईवीसी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको और गहराई में कवर करें. मैं नहीं चाहता हूं कि एक सारे की सारी, आप कह लीजिए कि हौच पौच हो रहा है, सारी की सारी चीजें एक साथ आपको करनी पड़ जाए. तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आईवीसी को और डिटेल में कवर करें. आज अभी इस लेक्चर को यहीं पे ही विराम देते हैं, यहीं पे ही आपसे अलविदा लेता हूं. हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स, उसके फैक्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग, जहां जहां से सवाल पूछा जाता है.
चलिए आज इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैपस्टोन आईएएस लर्निंग को ऑप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड डू मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस इनिशिएटिव को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वर्किंग हार्ड। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, अपने आईएएस के इस ड्रीम को हमारे साथ, हमारी सपोर्ट के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ साकार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।